तरीके से अल्लाह ताला अपना करम हम लोगों पे बना के रखें और तमाम उन लोगों के ऊपर भी जो जरूरतमंद हैं उनको, उनके लिए जरिया बनाए, ऐसे लोगों को जिनको अल्लाह ने नवाजा है किसी चीज़ से, ऐसे लोगों को जरिया बनाए उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि सब अल्लाह के लोग हैं इस दुनिया में, सब अल्लाह के बंदे हैं, तो कोई मदद करने वाला है, कोई मदद लेने वाला है, और सब अल्लाह के काम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और खुशियों में खर्च करना भी नसीब करें, और जितने भी लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं भाई वो भी हर तरीके के कर्ज और मर्ज से महफूज रहें और अपनों के साथ खुश रहें और खुशियाँ बांटें, नज़र से, हसद से, जलन से, बुग्ज़ और कीना से महफूज रहें, अल्लाह के पसंदीदा लोगों में बरकरार रहने की और आने की कोशिश करते रहें, क्योंकि किसी को नहीं मालूम उसका कौन सा अहवाल किस तरीके से लिखा जा रहा है, इसलिए जो सूरह रहमान की आयत है ना, फब्बे अलाई रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान, फब्बे अलाई रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उन नेमतों का हर वक्त दिन रात शुक्राना अदा करें, वो चाहे जिस्मानी आज़ा हैं आपके, यहाँ तक कि अगर आप पलक भी झपका रहे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से झपका रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम और आप सब वेल विशर्स की दुआओं से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आज हम सुबह गए थे बहुत ही ज़रूरी काम से, और वहाँ से वापसी पर हमने सोचा कि हम ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का टेस्ट वगैरह सब हो गए हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह, अभी हम आए हैं ग्रॉसरी की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, तो देखते हैं कि क्या क्या करते हैं, क्योंकि जो है मेरा दिल हो रहा है कि बहुत सारी सब्जियाँ ख़रीदूँ मैं। ये जो है ना, ये सारे चिकन वगैरह जो है ये सब मैरिनेट किए हुए हैं, तो इसमें से भी हम लोग कुछ लेते हैं। ये जो है चिकन का है सारा, यहाँ पर गोलगप्पे रखे हुए हैं, ये रहे, वहाँ भी चिकन है, उधर उस साइड जो था ना वो बकरी का गोश्त वगैरह था, तो मैं वहाँ से पाए लूँगी आज। और ये देखें चिकन का जो है ना अलग अलग पीसेज हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर तो जैसे ये मैरिनेट किया हुआ सारा रखा है, ये देखें आप, ये सब पाकिस्तानी बीफ कोफ्ता। और यहाँ पे जो है ना ये चिकन का कीमा रखा हुआ है, ये लेग पीसेस हैं सारे, ये सब बोनलेस और सब रखा हुआ है यहाँ। चलें देखते हैं, और वहाँ पे मसाले वगैरह लेने हैं, थोड़ा सब्जियाँ लेनी है इकरा, मुझे बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये लोलू मॉल जो है ना यहाँ पे दुबई में, हम लोग आए हैं अलवर्षा। अभी हम यहाँ से ले लेंगे ऑलिव्स, ये वाले कटे हुए रखे हुए हैं, और ये देखिए ये है साबुत, इधर ले लो ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन भी ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये इधर ऑलिव ऑयल है, ये इकरा ऑलिव ऑयल देख लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन वाला, एक्स्ट्रा वर्जिन है ना ये, हाँ ले लो बस। बच्चे कर रहे हैं ख़रीदारी और मैं आ गई इधर, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये जी ऑलिव और ये सब बना हुआ है, क्या है ये, स्पाइसी स्लाइस्ड है ग्रीन ऑलिव सेल सलाद है ये, तो इसमें जो है ना ग्रीन ऑलिव्स हैं, और क्या दिख रहा है, शिमला मिर्च नज़र आ रही है इसमें, नींबू नज़र आ रहे हैं, ये सब है। और ये क्या है इधर भाई, ये देखिए ओफो मुँह में पानी आ रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त सैलड्स हैं यहाँ तो। ये देखें ये है मिक्स कोल्ड कर्स विद ऑलिव स्पाइसी, वाकई में मुंह में पानी आ रहा है, क्या आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा है? ये देखें ये अचार, ओहो ये ज़बरदस्त है भाई, बहुत अच्छा। और देखते हैं इधर क्या क्या है ना, ये है सब सैलड्स, ज़्यादातर तो सैलड्स रखी हुई हैं यहाँ पे, बच्चे कर रहे हैं असल में ख़रीदारी, तो मैंने कहा देख लेती हूँ और दिखा भी देती हूँ अपने व्यूवर्स को। कहाँ गए अक्रमा और इकरा,
चीज दिखाती हूँ, ये देखिए बच्चों ने काफी यहाँ से सामान खरीदा है, तो मैं आई इधर तो बच्चों ने कहा अम्मा देखिए, और मतलब पैसे भी है कि रिजनेबल रेट्स हैं पूरे, हर तरीके का दही मौजूद है यहाँ पर, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यहाँ पर जब आप एंटर करते हैं ना, तो हर जगह जो है लिखा रहता है कि यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है, तो बिल्कुल भी आपको किसी से ना ये करना है, पूछना किसी से नहीं है, अपना आइए आराम से सुकून से ख़रीदारी करिए भाई, आराम से करें ख़रीदारी, और अल्लाह ताला बरकत दे सबकी कमाइयों में, और मेरे बच्चों की कमाइयों में भी अल्लाह ताला बरकत दे, सेहत के साथ ज़िंदगी दे। हाँ बना लो, ले लो मैं बना दूँगी। हैं यहाँ पर सैलड्स वगैरह और रखी हुई हैं, पैक्ड है बिल्कुल, ये देखिए आप, और ये देखिए ये इकरा जो है ना हमारी, ये बनाती हैं घर के अंदर, ये यहाँ पर पैक जो मिल रहा है सारा, ये अक्रमा के लिए इन्होंने कई बार बनाया है ये, इसमें चिया सीड वगैरह और फ्रूट्स होते हैं। हाँ ले लो, एक दो दिन में लेकिन अगर आप, हाँ एक ही ले लो बस। हाँ कोई होने वाली, और ये अक्रमा सारी खरीदारी वगैरह कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये क्या है, ये वाली ब्रेड? हाँ वो देख लो फिर। अभी हम लोग आ चुके हैं ये फ्रूट सेक्शन के अंदर, तो यहाँ से कुछ खरीदेंगे और फिर उसके बाद हम सब्जियाँ लेंगे और फिर हम कुछ खाएंगे भाई, भूख लग रही है बड़ी ज़ोर की, और ट्रॉली माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की इतनी भर चुकी है। ये देखिए एप्पल्स कितने ज़्यादा लगे हुए हैं ना, ये रिकॉर्डिंग जो कर रही हूँ ना मैं, ये अपने नए वाले उससे कर रही हूँ, फ़ोन से, आईफोन नहीं लाई थी मैं क्योंकि इसलिए, तो इसलिए मैं कर रही थी इससे। हाँ हम ले चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी, टैग करवा लीजिए। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं होल चिकन वगैरह सब मिल रहा है, और देखिए सस्ता भी है ये देखिए रेट्स इसके, तो अगर आपको लेना है मतलब तो आप यहीं से पैक कराइए, और वैसे अगर आप चाहें तो आप जो है शॉपिंग भी करते रहिए और ये सारी चीज़ें खाते भी रहिए, तो बहुत अच्छा मिल रहा है सब कुछ यहाँ पर। ये स्वीट टोस्ट ब्रेड है जैसे, सब बहुत अच्छा मिल रहा है काफ़ी, शॉपिंग अभी जारी है, ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग आज जो है। इकरा कहाँ चली गई? हम लोग आ चुके हैं जो है ये चिकन और मटन वगैरह खरीदने, और ये देख सकते हैं आप पूरा बकरा, ये देखिए, और इसका प्राइस भी मैं आपको बता सकती हूँ जो 43.90 पर केजी है, मतलब ये तो ये जितने भी किलो का होगा ना उतना उसका पैसा लग जाएगा, और हर तरीके का सामान है भाई यहाँ पर। तो ये राने मिल रही हैं, ये देखिए राने, रान लीजिए और अपना रोस्ट कर लीजिए आप। यहाँ पर आ चुके हैं, ये बकरे का गोश्त है, बकरे वाले सेक्शन में आ चुके हैं अब हम लोग, और यहाँ से आप हम लेंगे यहाँ से चापों में, तो लेकिन गोश्त ही नहीं है, सिर्फ हड्डी हड्डी है इसमें, हाँ सिर्फ हड्डी है बेटा, ये है बड़ी वाली चाप, देख लो। और मैं तो यहाँ से लूँगी पाए, क्योंकि मैंने अक्रमा से कहा कि तो पाए ले लेते हैं, मैं बना लूँगी पाए, ये देखिए हीरे मिल रहे हैं पाए यहाँ पर, और अच्छे साफ सुथरे हैं, सिर्फ इनको गलाने में देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा। ये रहे सब मिल रहा है, कलेजी मिल रही है भाई, सब कुछ मिल रहा है, जो लेना है ले लीजिए आपको। ज्यादा सब में ऐसे ही पीसेस हैं, वो वाला पीस देखना है, ये वाला, हाँ सब में तीन तीन पीसेस ही है ना, नहीं तुम लोग तो खाते हो नहीं, चलो गोश्त लिया इसकी वजह से, उसका इसके साथ बोनलेस आता है, कौन सा नहीं मतलब बकरे का ही लिया है ना,
अब फिश के सेक्शन में चले गया। अब हम लोग आ चुके हैं सी फूड में। ये देखिए प्रॉन्स वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो जंबो प्रॉन्स दिस इज जंबो प्रॉन्स, ये हैं जंबो प्रॉन्स हैं, ये देख सकते हैं आप इनका जो साइज है ना, वो साइज देखिए आप, ये देखें साइज। और इसका जो रेट है वो है 47.90 दरहम। क्रैब्स हैं यहाँ पर, क्रैब्स दिखाएगा। ये कटिल फिश मिल रही है, ये प्रॉन्स मिल रहे हैं, ये देखिए आप। वो फिश का रेट है 13.90। तो इसको इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपीस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कितना है, क्योंकि इंडिया का जो है हमारा, ये देखें फिश देखें आप, इंडिया का जो है वो एक धर्म तकरीबन 23 या 24 रुपए का होता है, और जो पाकिस्तानी है ना वो हो जाता है हम लोग, मतलब हमसे हमारा जो एक रुपया है ना वो वहाँ जाके 4 रुपए हो जाते हैं, तो वो उस हिसाब से पड़ेगा। अभी हम चलते हैं आगे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सामान ले लिया है ग्रॉसरी के लिए, सब्ज़ियाँ खूब ली हैं, खूब पकाएंगे सब्ज़ियाँ वगैरह, और बाकी घर पे जाके पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है। यहाँ पर जो अल वर्षा का है ना, वो लूलू है, ये यहाँ का काफ़ी बड़ा है, हर चीज़ है इसमें, कई फ्लोर्स हैं, तो हर तरीके का सामान है। अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा और कुछ ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। लिफ्ट से चलेंगे क्योंकि ट्रॉली है ना, इसलिए इकरा। ये हम लोगों का सामान की हो रही है, यहाँ पर काफ़ी सामान हो गया है, घर पे जाके इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे हम। लोग यहाँ पर ख़रीदने आए हैं मिक्सी वगैरह, देख लेने आए हम लोग, तो हमने ले ली है मिक्सी यहाँ पर। देना ये दे दो, हम अपनी ट्रॉली से वो ले लेंगे। अभी हम लोग लेते हैं ट्रॉली में जो सामान है ना हम लोग का ग्रॉसरी का, वो लेते हैं, बस अब हम चलेंगे घर, है ना इकरा, आप घर चल रहे हैं ना। इकरा पूरा सामान रखवा रही है ट्रॉली के अंदर, जो ग्रॉसरी अभी हम लोगों ने खरीदी है। और जोहर का टाइम हो चुका है, बस हम लोग जाएंगे ऊपर अपार्टमेंट में और नमाज वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। जल्दी कर लो इकरा, आ गया था। A few moments later. भाई गोश्त आ गया है सारा, सामान दिखाइए पहले तो, आगे दिखाइए इतना सारा जो रखा है यहाँ पे, माशाल्लाह लेके आए अभी हम लोग। और इसमें क्या है ना कि गोश्त उतार रहे हैं, क्या क्या लाएं, आपके चापे हो गए, ये हमारी पसंद का है बीफ का स्टेक, स्टेक हमें पसंद है, उसके बाद ये कलेजी वगैरह हो गई, और ये गोश्त है ना, ये पाकिस्तानी कट देख रहे, पाकिस्तानी मटन कट, ये रहा गोश्त, पाए ये रहे पाए, 6 पाए हैं इसके अंदर, 6 पीस हैं इसमें, और ये भी जो है फ्रेश बीफ हो गई, ये वाली कट्स हैं, ये बड़े वाले कट्स हैं, ये दिल है मुर्गे का, वो लेग पीस है, और ये चिकन कट हो गया विदाउट स्किन, और तो ये सैलमन हो गई, ये तुम्हारे लिए भी सही है। हाँ तो मतलब सब खाएंगे वो तो, खैर तो ये सैलमन है, इसमें 4 पीस हैं बड़े बड़े स्टेक इसके, और वो उधर दिखाओ, ये अंडे हैं, ये मैंने बता दिया, ये ब्रेकफास्ट स्टेक है, इधर दिखाओ, हमें बहुत पसंद है, हमारी फेवरेट चीज़ है। ऑस्ट्रेलियन स्टेक और न्यूजीलैंड चॉप्स, ये दो चीजें हैं जो हम, तो बाकी का ये क्योंकि हमने इसलिए जल्दी जल्दी दिखा दिया कि इसको रखना है अभी हमें फ्रीजर में, और बाकी का ग्रोसरी का हम आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, चलो राशन आ गया है सारा, जो आपने आपने ले लिया, सब जो लेना था आपको, क्या क्या ले लिया, ले लिया अच्छा खासा सामान ले लिया है, हरी सब्जियां भी बहुत ली हैं। नहीं हम बता रहे हैं, देखिए ये है, ये तो सारी वेजिटेबल्स हो गई, ये जो दिख रहे हैं ना, ये दो बीच में दिख रहे हैं ये वाले, ये दोनों सैलेड है, ये अभी खा लीजिएगा अभी, और तुम भी खा लेना अभी, उसके बाद ये पिया आपने, ये जिंजर शॉर्ट मैंने, जिंजर है वो जो लाइट वाला है वो जिंजर है, वो वाला और ये जो थोड़ा डार्क है ये है जिनसेंग, जिनसेंग ये जड़ी बूटी होती है, वैसे कोरियन जापानीज होती है, और इस पे लिखा है बरकात।
हाँ ये बरकात की कंपनी, बरकात की कंपनी है। उसके बाद ये बेरीज सब है, ये साहबजादी की वो है, रेसबेरी हो गई, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी, ये तमाम चीजें हो गई। ऑलिव ऑयल हो गया आपके लिए ना, हम ये वाला कोकोनट वाटर लाए, ये आपका है ठीक है। देखिए सर, देखिए आप ये देखिए, नो एडेड शुगर आपका है और ये तुम्हारा है ठीक है, कोल्ड प्रेस्ड वाला ये हम ले आए थे, छोटा सा पिंक सॉल्ट। उसके बाद इसमें ये नारियल वगैरह है, ये है तमाम चीजें, दालें हो गई, बेरीज फिर से ये आ गई, ये क्या लिया अलग अलग पापड़ लिया, देखो पापड़ लिए मैंने दो, और ये लाए हम, ये एक अलग हम लाए गार्लिक पेपर सॉल्ट, गार्लिक पेपर सॉल्ट पंजाबी पापड़। उसके बाद बता दें, अच्छा ये तंदूरी सीजनिंग इन्होंने ली थी टिक्के वगैरह बनाने के लिए, और ये क्या है एप्पल साइडर विनेगर, तो आप लोगों ने लिया है, मेयोनेज हो गए, ऑलिव्स, ये स्पेनिश ऑलिव्स है। अकरमा ये क्या है, ये क्या है, ये तो नाचोज है और सालसा है, और इसके साथ एक सालसा वो अलग से रखा है, इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अच्छा वो वाला सालसा, दही है, हरा धनिया, पुदीना, और ये बंस हम लाए थे बर्गर बनाने के लिए, ये चीज मैं दिखाना चाहूंगी कि मैंने अपनी पसंद से क्या लिया है, वो दिखाऊंगी। क्या लिया है आपने? मैंने लिए अपनी चौलाई की सब्जी, चौलाई लिए मैंने, और ये जो है ना इकरा, तुम लोगों की दादी बहुत शौक से खाती थी, ये उन्होंने मुझे सिखाई थी बनाना, चौलाई आपके लिए, और वो रहा है अजरबैजान के टमाटर, वो है अजरबैजान के, वो है। असल में क्या है, माशाल्लाह से इतना सारा सामान लिया है, सारी चीजें हैं, मतलब ये तो खैर सामान तो आता ही रहता है, बात ये दुबई से सामान लेने में, रोजमर्रा का घर का राशन जैसे ये है, ये सब लेने में, और बाकी जो दिल्ली के अंदर यहाँ पे फर्क है, यहाँ ऑप्शन इतना होता है, जबकि कमाल की बात ये है यहाँ आबादी कम है, आबादी कम है ना, दिल्ली से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से कम आबादी है, लेकिन लोग क्योंकि ये एक्चुअल में ग्लोबल सिटी है, तो यहाँ पे हर ममालिक के लोग रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतना सामान मिलता है। तो माशाल्लाह से ये शॉपिंग हमने करी है, और ये आपने देख लिया आलमंड मिल्क आपके लिए, ये आलमंड मिल्क है, ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, या आपने वो लिया है आइस टी, घी ले लिया है, सारी चीजें हैं, और इसी तरीके से अल्लाह ताला अपना करम हम लोगों पे बना के रखें, और तमाम उन लोगों के ऊपर भी जो जरूरतमंद है, उनको उनके लिए जरिया बनाए, ऐसे लोगों को जिनको अल्लाह ने नवाजा है किसी चीज़ से, ऐसे लोगों को जरिया बनाए उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि सब अल्लाह के लोग हैं इस दुनिया में, सब अल्लाह के बंदे हैं, तो कोई मदद करने वाला है, कोई मदद लेने वाला है, और सब अल्लाह के काम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और खुशियों में खर्च करना भी नसीब करें, और जितने भी लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं भाई, वो भी हर तरीके के कर्ज और मर्ज से महफूज रहें, और आबाद रहें उनके घर, और अच्छे अच्छे तरीके से रहें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें खाएं, सेहत याफ्ता रहें, असली जो इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ है आज की तारीख में वो सेहत है, और उसके रिश्ते अपने, तो अपनों के साथ खुश रहें और खुशियाँ बांटें, नज़र से, हसद से, जलन से, बुग्ज और कीना से महफूज रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहें, और अल्लाह के पसंदीदा लोगों में बरकरार रहने की और आने की कोशिश करते रहें, क्योंकि किसी को नहीं मालूम उसको कौन सा अहवाल किस तरीके से लिखा जा रहा है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने अम्मा ने गोश्त वगैरह भी दिखा दिया है, फल भी आए हैं इसके अंदर ना, ये साहबजादी ने वो लिए हैं अलग तरीके के अंगूर, लाल रंग के कुछ। अच्छा। हाँ इन्होंने लिए, और नींबू तो यहाँ के बड़े बड़े होते हैं, खैर तो इनको सबको आप फ्रिज में रखते हैं सामान, इनको रखते हैं, ये हम लाए थे आड़ू अपने लिए। एक बात लास्ट में कहना चाहूंगी कि जो सूरह रहमान की आयत है ना, फब्बे अलाई रब्बे कुमा तुकज्जिबान, फब्बे अलाई रब्बे कुमा तुकज्जिबान, यानी कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उसमें क्या कोई दरवाजे पर आ, तो यही है कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उन नेमतों का हर वक्त दिन रात शुक्राना अदा करें, वो चाहे जिस्मानी आज़ा हैं आपके, यहाँ तक कि अगर आप पलक भी झपका रहे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से झपका रहे हैं, तो हर वक्त आपको अल्लाह ताला की नेमत का शुक्राना अदा करना है। तो अब जो है डाइनिंग रूम से हम लोग यहाँ आ चुके हैं किचन में, और यहाँ पर रखते जा रहे हैं सामान लाला के पूरा, और इतना जमा रही है सारा सामान, तो अभी आप देख सकते हैं ये सब जो है अच्छा खासा, मतलब वक्त चाहिए होता है घर को संभालने के लिए, गृहस्थी को संभालने के लिए, और माशाल्लाह इकरा इस चीज़ में अब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हैं, इन्होंने पढ़ते हुए, शादी इनकी हो गई थी जब पढ़ रही थी, और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घर को संभाला, जिसके लिए माशाल्लाह इनकी बड़ी तारीफ़ होती है, बरकात भी बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो बहुत हमें अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं इस चीज़ का, कि कम से कम जो है जब बेटियों की तारीफ़ होती है ना उनके ससुराल में, तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है, और हम इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो माओ का अक्स होती हैं,
तो ज़्यादातर जो होती हैं वो। तो अब ये लगा रही है सामान यहाँ पे, जब लग जाएगा पूरा तो फिर दिखाते हैं आपको अपनी फ्रिज हम, है ना। ये हेल्दी सामान जो है ना, ये सब इकरा के रिकमेंडेशन के ऊपर आते हैं सारी चीज़ें हमारी। बस ये है कि वो इस चीज़ में कहती हैं कि अम्मा आप लोग जो है खाते नहीं हैं कुछ भी, जबकि वो खुद भी नहीं खाती हैं कुछ भी, कि खुद कुछ खाएं वो। ये देखें व्यू, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, घर में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है इस चीज़ का, लेकिन बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ना सारा सामान देखिए बड़े सलीके से लगा दिया है, स्वेंडे वगैरह भी लगा दिए पूरे इन्होंने, ये जो है सब, और ये सब लगा दिया है मैंने माशाल्लाह से, हो गया ना सारा एक बार, है ना। चलो बेटा आप खाना खा लेते हैं। इसमें है वो क्या कर रही हूँ, अच्छा ऑस्ट्रेलियन दिखाना मुझे कैसे है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंगूर हैं। और बस इसी के साथ अभी इस व्लॉग का एंड कर देते हैं हम लोग, और फिर मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफिज़।